अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा व बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन की ही अवधि में प्रदेश के 15 जिलों के उन इलाकों को पूर्णतः सील कर दिया जाएगा जहां से संक्रमित लोग पाए गए हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर अभी तक 343 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 27 ठीक भी हो गए हैं। गंभीर बात यह है कि इन 343 संक्रमित लोगों में जमातियों की संख्या 187 है, यानी आधे से भी अधिक और कई ज्यादा। कोरोना वायरस के चलते बीते 20 मार्च को 21 दिन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। 21 दिन की यह अवधि 14 अप्रैल को खत्म होनी है। अभी 14 अप्रैल दूर है, लेकिन जनमानस में इस आशय के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इसके बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक के बाद पीएम की तरफ से संकेत मिले हैं कि यह लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को सील करने की खबर ने सभी को परेशानी में डाल दिया। शाम को अपर गृह सचिव व डीजीपी की प्रेस वार्ता हुई तो काफी कुछ साफ भी हुआ। बताया गया कि 15 की सुबह तक 15 उन जिलों को सील किया जाएगा जहां संक्रमित पाए गए हैं। सील का यह तरीका कर्फ्यू जैसा ही होगा। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी व डीजीपी हितेश सी अवस्थी। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी, और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीस को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। मैं डीजीपी साहब से चाहूंगा कि इन हॉटस्पॉट्स में क्या क्या चीजों को समाधान करना होगा, किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन माध्यम से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, डीजीपी साहब बताएं। हमारे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड 15 जनपद हैं, जिनके विषय में आपको अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे। तो ये एरियाज वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना। तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा। जहाँ तक हॉटस्पॉट की बात है तो लखनऊ में 8, आगरा में 22, कानपुर में 12, सीतापुर में 1, गाजियाबाद में 13, शामली, बस्ती और बुलंदशहर में 3-3, नोएडा में 12, वाराणसी में 4, मेरठ में 7, बरेली में 1, फिरोजाबाद में 3 और सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट हैं। ये वे इलाके हैं जहां संक्रमित पाए गए हैं। इन इलाकों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, डोर टू डोर होम डिलीवरी होगी। ये व्यवस्था 15 की सुबह तक यहाँ लागू रहेगी।
इस खबर में आज इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।